जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं कोरबा जिले के उपनगरीय क्षेत्र बालको। यह बालको थाना परिसर है। बालको थाना परिसर में एक पीड़ित परिवार जो है वह बालको थाने प्रभारी के समक्ष मौजूद हुआ है और उनके घर के एक सदस्य की गुमशुदगी हो गई है। बीते 3 दिनों से वे लापता हैं और घर के परिजन उन्हें बेहद ही सरगर्मी से उनकी तलाश कर रहे हैं। हालांकि पुलिस विभाग से भी हमने जाना है और उनका भी कहना है कि हम भी बेहद ही सरगर्मी से तलाश कर रहे हैं। उनके लास्ट लोकेशन, उनके मोबाइल की लास्ट लोकेशन जो है कोरबा टीपी नगर से जो है कि प्राप्त हुई है, उसके पश्चात उनका मोबाइल बंद बता रहा है। बहरहाल इन सभी घटनाक्रम में सबसे अगर कोई परेशान है और पीड़ित है तो वह जो है उनके परिजन हैं और उनकी पत्नी है। शादीशुदा थे, वे अच्छी खासी नौकरी पर थे। आइए जानते हैं किस विभाग में वे नौकरी पर थे, बालको के गेट के जो है वह ड्यूटी पर आए, उसके बाद वह ड्यूटी नहीं किए, ऐसा क्या उनके दिमाग में आया या क्या कुछ हुआ होगा, हम जानते हैं उनकी पत्नी से। क्या नाम है आपका? अमृता राज। अच्छा, ये बताइए अमृता जी कि आप के जो ये जो अभी गुमशुदा हैं घर के सदस्य, वो आपके रिश्ते में क्या है? मेरे हस्बैंड हैं। अच्छा, तो क्या उम्र होगी उनकी? 30 साल। 30 वर्ष है। अच्छा, कब किस दिनांक को वो घर से निकले हैं? 14 तारीख। 14 तारीख को। तो 14 तारीख को आप वह जब निकले हैं तो क्या कह के घर से निकले हैं? घर से कह के निकले जो ऑफिस जा रहे थे। अच्छा, ऑफिस जा रहे हैं। तो बेसिकली वह पर डे कितने बजे ऑफिस के लिए निकलते थे? 8 बजे निकलते हैं सुबह में। हाँ। अच्छा, कोई संसाधन उनका खुद का होता था या कंपनी प्रोवाइड की है? कंपनी प्रोवाइड की है गाड़ी। अच्छा, तो वो उसी गाड़ी में प्रत्येक दिन की भांति निकले और फिर उसके बाद आपसे कॉन्टेक्ट नहीं हुआ? नहीं, हम कॉल किए थे, उनका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था, फिर उनके स्टाफ को किए तो वो बोले कि सर हैं अभी यहीं पे आते हैं तो बात कराते हैं, लेकिन वो झूठ बोले थे, सर थे नहीं वहाँ पे। कौन झूठ बोला था? कंपनी में जो काम करते हैं उनके साथ, वो झूठ बोले थे, सर अंदर गए ही नहीं थे। बाद में कैमरा चेक हुआ, फिर पंचिंग चेक हुआ तो पंच नहीं किए हैं, गेट तक ही थे। उनके झूठ बोलने का क्या कारण था? ये तो नहीं पता सर, क्यों झूठ बोले। क्या नाम है उनका? अमित झा। अमित झा। अच्छा, अभी फिलहाल आपने कहाँ कहाँ इसकी सूचना दी है और क्या कुछ कहा जा रहा है? अभी तुम थाना में, वहाँ से आए थाना में और ऑफिस में भी हर जगह सब जितने इनके ऊपर सर लोग थे सबसे पता किए, तो सर लोग बोले कि मोबाइल बंद आ रहा है, हमको पता नहीं है, लेकिन हम लोग खोजने का ही कर रहे हैं। फिर थाना पे आए, रियाजी सर से बात किए, फिर वहाँ पे आइए, वहाँ पे सर के पास भी गए थे हम। हाँ जी। तो वो बोले कि आपका काम हो रहा है, सर माने एसपी सर, एसपी सर के पास, यहाँ सर खोज रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा। चूंकि मोबाइल बंद है तो। अच्छा, घर में किस तरह से आप लोग का व्यवहार रहता था, घर में किस तरह की शैली थी उनकी, क्या घरेलू विवाद तो कहीं नहीं है? नहीं नहीं, कोई घरेलू विवाद नहीं है, अच्छा से रहते थे, कोई बात भी नहीं हुआ था, अच्छा से बोले, नाश्ता करने के लिए दिए थे तो नाश्ता तो मॉर्निंग में उतना ही नहीं रहता है, थोड़ा नाश्ता किए और अच्छा से ही बोल के निकले कि हम ऑफिस जा रहे हैं। कोई नहीं था कि घरेलू विवाद या किसी से भी कुछ नहीं था। अच्छा, विवाह हुए कितने वर्ष हो गए? 3.5 साल। अच्छा, उससे कोई शिशु, कोई बच्चे का जन्म है? एक बेबी है। अच्छा, उम्र? 2 साल। अच्छा, 2 से 2.5 वर्ष की है। अभी फिलहाल क्या आप लोग उम्मीद ऐसा जता रहे हैं, क्या कुछ शक है कि कहीं कुछ शक लग रहा है आपको क्या? हमको लग रहा है कि कोई उनको किडनैप करके ले गया। अच्छा, ऐसी संभावना या आप ऐसा शक जाहिर कर रहे हैं आप? जी। अच्छा, कोई मतलब ऐसा किसी का विशेष नाम ऐसा दिमाग में नहीं आ रहा? नहीं, किसी नाम नहीं पता सर किसी का, नाम कोई किडनैप किया होगा ऐसा लग रहा है। हाँ। कारण क्या हो सकता है जब किडनैप का दिमाग में आ रहा है? क्योंकि मोबाइल से भी बात हुआ है जिस आदमी से उस दिन का, तो कॉल डिटेल निकला है, उस आदमी का कोई मतलब ही नहीं है कि कंपनी के हो या दोस्त हो, हम नहीं जानते हैं जिस आदमी से बात किए हैं, जो लास्ट मोमेंट में माने उनसे जब बात हुई है तो फोन जो नंबर सामने आया है निकल के, वह नंबर जो है अनभिज्ञ है। अच्छा, तो संभवतः वो उस नंबर के व्यक्ति के साथ यह निकल गए हैं या वो उसने ही किडनैप कर लिया हो ऐसा? हाँ, इसलिए हमको लग रहा है कि किडनैप किया गया। अच्छा, तो ऐसा किसी से घर, गांव या यहाँ किसी से ऐसी शत्रुता रही होगी उनका? नहीं, हमको किडनैप करने का इसलिए लग रहा है क्योंकि हमेशा पैसा लेके जाते थे ऑफिस का, पैसा कभी कभी पैसा दिए हैं इधर उधर, तो किसी को अगर पता होगा कि हाँ पैसा लेके निकले, रात में किसी को पैसा भी ट्रांसफर किए हैं। किस कंपनी में काम कर? बालको, इसमें धनबाद, क्या नाम है उसका? देखो नहीं। अच्छा, धनबाद इंजीनियरिंग जो है। हाँ। अच्छा, उसमें किस पद पर थे? मैनेजर थे। अच्छा, तो स्वाभाविक सी बात है अगर मैनेजर हैं तो लेबर पेमेंट से लेकर तमाम जो है जो पैसे हैं वो उनके पास रहता था। मामला लग रहा है क्योंकि पैसा देते थे लेते थे इधर उधर, पैसा लेके जाते थे। अच्छा,
अच्छा, हमने यह भी जानकारी ली है उनके विषय में, जब हमको सूचना हुई कि भाई गुमशुदा हैं, 3-4 दिन हो गए, वे किसी प्रकार के आदतन मतलब ऑनलाइन कोई जुआ या सट्टा या ड्रीम इलेवन इस तरह से कोई खेल का उपयोग करते थे? नहीं सर, हमको ये सब नहीं पता है। मोबाइल में वो सब सब कोई देखता है, थोड़ा बहुत कार्टून ये सब देखते थे, बच्चों को दिखाते थे, खेलते हुए हम नहीं देखे कभी। अच्छा, माने किसी प्रकार का कर्ज, किसी से पैसा उन्होंने उधार लिया हो, ऐसा कुछ है सामने? सब हमको नहीं पता है कुछ भी, पैसा लिया है नहीं लिया। सर, आपका सेवन करते थे क्या? बिल्कुल नहीं, हमको नहीं पता है कुछ भी, करते थे नहीं करते थे। आप एक पत्नी, इसलिए मैं पूछा, मतलब 3-3.5 साल हो गया नहीं करते थे। तो इस दौरान आपने कभी नहीं देखा कि सर आपका सेवन या किसी तरह का जुआ सट्टा ऐसा कुछ नहीं? नहीं, रूम से कहीं जाते ही नहीं थे, ऑफिस गए फिर आए फिर रूम पे रहते थे। हम रहेंगे तब भी, नहीं रहेंगे तब भी, यहाँ के सब स्टाफ वही बोल रहा है कि सर रूम से कहीं जाते भी नहीं थे। यहाँ के बारे में उतना उनको आइडिया भी नहीं, क्योंकि हमको भी पता है सर कहीं भेजना रहता है ऑफिस से, उनके ऊपर के जो भी सर लोग हैं भेजते थे कहीं, तो यहाँ के लोग से इम्प्लॉय जो छोटा छोटा जिनके अंदर काम करता है इनके अंदर, उन लोग से पूछते थे कि तुम लोग को पता है यहाँ जाओगे नहीं, तो मोबाइल से चेक कर के भेजते थे। कोरबा तक का उनको पूरा उतना आइडिया नहीं है, इसलिए उस संसाधन में कंपनी के द्वारा जो प्रोवाइड की गई थी उसी में वे जाते आते थे। अच्छा, तो जब जिस दिन वो निकले वो कुछ पैसा लेकर चले थे क्या? नहीं, उस दिन रात में, उस मतलब जिस दिन निकले उसके एक दिन रात में पैसा किसी सर को दिए हैं, यहीं पे बुलाए थे थाना के पास, 2 लाख रुपया उनको दिए। कैश या फिर ऑनलाइन? अब कैश भी दिए, कैश ही दिए हैं। अच्छा, तो कैश का तो कोई डिटेल नहीं मिल पाएगा, ऑनलाइन दिए होते तो उसका किसको दिया वो पता चल जाता। तो आपको कैसे, कुछ दिए हैं कुछ कैश दिए हैं, आपको कैसे पता चला था कि बाद में बालको थाने के ही इर्द गिर्द उन्होंने पैसा दिया है? क्योंकि उनके साथ एक आदमी और था, मेरा ड्राइवर था। अच्छा, तो उनके थ्रू आपको पता चल गया था? कि वो हमको बताए थे ना, गए रूम तो बताए थे कि पैसा देने गए थे। अच्छा, पुलिस की जांच में किस तरह से आप, मामला सामने आ रहा है, पुलिस की जांच से आप संतुष्ट हैं, क्या चाहते हैं? पुलिस के मामले से हम संतुष्ट हैं सर, जांच अच्छा से कर रहे हैं, ऑपरेशन हो रही है पुलिस की, आपके साथ पुलिस जो है खड़ी। जी जी। क्या नाम बताया आपने? अमृता राय। तो यह थी अमृता राय, धन्यवाद आपका। और यह थी अमृता राय जो कि गुमशुदा पुरुष की जो है गुमशुदा व्यक्ति की पत्नी है, और सूत्रों के हवाले से यह भी सूचना प्राप्त हो रही है, हालांकि उनकी पत्नी ने नहीं बताया या उन्होंने कहा कि उन्हें पता ही नहीं है कि वे कहीं ना कहीं कुछ मोबाइल में गेमिंग या इस तरह से कुछ खेल खेला करते थे, शायद उसमें पैसे का दाव भी लगता था संभवतः, और उन्होंने अपने घर वालों से भी, अपने घर के रिश्तेदारों से, शायद बहन या भाई चाचा इत्यादि इन लोगों से शायद कर्ज स्वरूप कुछ पैसे भी लिए, वे हार भी गए और लगातार जो है लाखों रुपए वे हारते चले गए, और अभी वो फ्रस्ट्रेशन में संभवतः वह गुजर रहे थे, फ्रस्ट्रेशन के दौर से गुजर रहे थे। बहरहाल यह तो समस्त बातें एक जांच का विषय है, जैसे ही जो है गुमशुदा व्यक्ति मिल जाता है तो जो है यह सारी चीज़ों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल पुलिस उनके गुमशुदा पति की तलाश और खोजबीन में जो है जुटी हुई है। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती, जय हिंद।